तो एक रास्ता मेरे स्कूल तक जा रहा था। अरे वाह। और मेरे मुझे मुझे वो रास्ता देख के अपने बचपन की याद आई। काफी वो एक रास्ता गया जहाँ पे मैं अपने डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, तो मैं इनको अपना बचपन का घर दिखा रहा था। आई थिंक टाइम्स अभी बहुत बदल गए हैं कि अगर आप मिस इंडिया हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यू नो फिल्म्स आपको मिलेंगी इतनी आसानी से। यू हैव टू हैव द टैलेंट एंड द स्किल टू बैग एनी रोल। तो थैंकफुली आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि वो हैंडल वाला ऐसा कोई सिचुएशन किसी के लिए नहीं था। ये बोलना मत भाई, मेरी शादी बिल्कुल नहीं बोला। और करण 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 मेरे पुसिन बूट से तो हमारी दोस्ती उस लेवल की आ गई एंट्री में। क्या हुआ? तो मुझे अर्पिता भी नहीं जानती। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं जानते हैं। कौन सा पे मेरी बनियान फटती है तो जब भी ये बोलते हैं कि मैं आयुष के घर पे जा रहा हूँ, उनको वो सब जिप भेज देती है जिसमें बनियान फटती है। तो हमारी फिल्म में सबसे खूबसूरत चीज है एक छोटा रुस्लान है, वो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। अच्छा। एक टाइम था जब हमने देखा। हाँ, मतलब हम पिक्चर बनाते बनाते जब शुरू हुआ था तो हाइट इतनी थी। अच्छा। जब बड़ा हुआ तो जब भी मिलता लंबा हो गया। और अब हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बड़ा होता जा रहा है, अब इसकी हाइट छोटी कैसे करें। तो आई थिंक या मैंने उसको लिटरली बेबी रुस्लान, मेरे सामने बड़ा रुस्लान बन गया। क्या था उस ऑडिशन में कि एकदम 30 मिनट्स लगे और 30 मिनट्स में सब कुछ हो गया? सब करेक्ट था। क्या था वो? एक्शन करेक्ट था, एक्सप्रेशन करेक्ट था, परफॉर्मेंस करेक्ट था। अच्छा, एक बढ़िया मूवी में किस चीज की जरूरत होती है? मसाले की, एंटरटेनमेंट की, स्टंट्स की और एक अच्छी स्टार कास्ट की। तो ऐसी एक फिल्म आने वाली है, फिल्म का नाम है रुस्लान और ये फिल्म आने वाली है 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। उसी की स्टार कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष, सुश्री एंड करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। थैंक यू। सबसे पहले तो अच्छा, आप दिल्ली में आए हैं, दिल्ली कैसी लग रही है आपको? मैं तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ। अच्छा, दिल्ली की गलियां मेरी गलियां। अच्छा, छोले भटूरे खाए आप लोगों ने दिल्ली में? तो बहुत खाए हैं, कैसी बात कर रहे हैं। वो तो छोले भटूरे, राजेंद्र ढाबा, आपकी यू नो हमारे जो चनकपुरी में पहले, अभी तो होटल बन गए, पहले जो ढाबे थे वो। तो मैं तो दिल्ली में बड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो घराना बाप यू नो। कल आज सुबह मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो एक रास्ता मेरे स्कूल तक जा रहा था। अरे वाह। और मेरे मुझे वो रास्ता देख के अपने बचपन की याद आई। काफी वो एक रास्ता गया जहाँ पे मैं अपने डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, तो मैं इनको अपना बचपन का घर दिखा रहा था कि ये घर है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे ये। तो मेरे लिए तो दिल्ली आना हमेशा एक यू नो एक स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि मैंने दिल्ली में ही एक सपना लिया था कि क्या मैं कभी एक्टर बन पाऊँगा। और वही सपना जब यहाँ पर आके एज एन एक्टर वापस आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर दिल्ली में आने के बाद आपकी बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो गई और दिल्ली ने आपको बहुत अच्छा वेलकम भी किया होगा। अच्छा, अब फिल्म के बारे में थोड़ी बात हो जाती है। रुस्लान नाम तो एक बहुत अलग है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, ट्रेलर हम सब ने बहुत पसंद किया। कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए जी। रुस्लान का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे यंग लड़के का कैरेक्टर है जिसके माथे में एक दाग लगा है, और कैसे वो लड़का अपनी जो दिल की ख्वाहिश थी वो था गिटार बजाना, म्यूजिक बनाना, वो लड़का उस गिटार को छोड़ के एक बंदूक पकड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जो बचपन से शुरू होता है और उसकी कहानी ख़त्म होती है लाइन बनने तक। कैसे वो इंसान अपने आप को रिडीम करता है, क्या किस चक्रव्यूह में फंसता है, कैसे कहानी प्रोग्रेस होती है, और ऐसे वो अपनी पहचान बनाता है। वो पहचान बनाने की जो कहानी है वो है रुस्लान की। बिल्कुल। अच्छा सुश्री, आपसे मैं आपके कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी। सिंस यू आर पेजेंट विनर, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पेजेंट विनिंग के बाद एक बहुत सारी मूवीज आपको ऑफर की जाती हैं, तो रुस्लान का सफर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी। मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई थिंक टाइम्स अभी बहुत बदल गए हैं कि अगर आप मिस इंडिया हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यू नो फिल्म्स आपको मिलेंगी इतनी आसानी से। यू हैव टू हैव द टैलेंट एंड द स्किल टू बैग एनी रोल। एंड रुस्लान की जर्नी मेरी काफ़ी, मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्टारकास्ट का हिस्सा होने का मौका मिला, और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही पावरफुल है। एंड एज अ वुमन आई फील सो एम्पावर्ड डूइंग दिस कैरेक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आई वुड लाइक टू थैंक आयुष एंड करण एंड माई प्रोड्यूसर दैट यू नो उन्होंने इतना फेथ दिखाया इन अ डेब्यूटेंट। थैंक यू। अच्छा करण, कितना ज्यादा आपके लिए मुश्किल था या इजी था इन लोगों को हैंडल करना? बहुत सबसे ज्यादा मुश्किल था, नहीं मजाक कर रहा, कोई किसी को हैंडल नहीं कर रहा था। आई फील लाइक जब आप फिल्म बनाते हो ना, तो जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ फिल्म बनाते हो और सब इक्वली पैशनेट होते हैं उसके बारे में, तो आपको किसी को हैंडल नहीं करना होता। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं और 100 नहीं 200 500% डालते हैं।
तो थैंकफुली आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि वो हैंडल वाला ऐसा कोई सिचुएशन किसी के लिए नहीं था। अच्छा, मैं कुछ ऐसी चर्चाएं भी सुन रही थी आयुष की और आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपकी वाइफ पूरी सच्चाई है, मैं बोल सकती हूं पूरी सच्चाई है। दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड कि जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब कितना, क्या पहले से था या फिर ये मूवी के दौरान आपकी ये जो बॉन्डिंग पहले से दोस्ती तो अच्छी थी, पर मूवी के दौरान ना आप अपने फैमिली को भूल जाते हो और आपकी एक नई फैमिली बन जाती है। लेकिन आपकी तो अभी भी शादी हुई थी, आप वाइफ को भूल गए? मैं नहीं बोला, ये बोलना मत भाई, मेरी शादी बिल्कुल नहीं बोला। मुझे मेरे मेकअप के बिना, मेरे हेयर के बिना, एक छोटी सी मतलब चड्डी में अगर कोई इंसान लेट रहता हूँ तो मैं हूँ, मुझे सिर्फ करे नहीं दिखते। तो हमारे बीच में जो रोमांस है वो बढ़ता जा रहा है। आज सुबह जब ये मुझे मिलने आए तो यूजली सब मुझसे पूछते हैं, हम जी आए, हम ऐसे पड़ा हुआ था आराम से, इन्होंने मुझे मुझे मेरे जिसे पिछले स्टेटमेंट में झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने संभाला नहीं, ने बहुत संभाला है, मुझे संभाला है, मुझे उठा के सेट पे लेके गए हैं, मुझे सेट से वापस भेजा गया है, मुझे इन्होंने मेरे साथ दिन रात काटी हैं। यू नो कभी कभी जब यू नो आई बिलीव हमारी दोस्ती उस लेवल की है कि चाहे मैं रात के 2 बजे भी अगर मैं वर्कड अप हो जाता हूँ किसी चीज़ को लेके, तो ये मेरे घर से थोड़ा दूर रहते हैं मुंबई में, तो ये गाड़ी पकड़ के रात के 2 बजे 3 बजे आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, यू नो संभालेंगे, डिसाइड होगा और फिर अगले दिन वापस शुरू होंगे। हमारे बीच में एक जोक है कि मैं अपने आप को जॉनसनो समझता हूँ और करण 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 मेरे पुसिन बूट्स हैं। तो हम लोग हमसे ऐसा, हम लोग जब ये फिल्म बना रहे थे तो हम कह रहे थे इतनी एडवर्सिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं इस फिल्म की सिचुएशंस को लेके, वेदर कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन को लेके, तो मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है कि हम, मैं एक तलवार लेके अकेला खड़ा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ आओ दिखाता हूँ, और मेरे पीछे तुम खड़े हो पुसिन बूट्स की तलवार लेके और तुम भी लड़ने को तैयार हो। तो यू नो आई थिंक हमारी दोस्ती एक अलग लेवल की है। यू नो शिवानी, यू नो शिवानी मेरी भाभी हैं, बट अब मेरे शिवानी के साथ एक नो सेटलमेंट हो गई है, आई थिंक एक सेटलमेंट हो गई है कि यू नो इससे पहले ये मेरी जिंदगी से दूर जाएं, मैंने इनको एक और फिल्म के लिए रोप इन कर लिया है ताकि ये मुझसे दूर कभी जा ही नहीं पाए। तो यू नो नहीं, वो तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। हाँ, मतलब आई थिंक ये मैं कभी कभी हम सेट पे बोलते हैं ना, डायरेक्टर कैप्टन द शिप होता है और एक्टर एक बच्चा होता है, तो वो एग्जैक्टली है। मैं गोद में उठा के से कभी कभी लेके चलते हैं कि अच्छा आज इसका मूड ठीक नहीं है, इसको खाना खिलाओ, इसको ये कराओ। बट आई थिंक वो रोल रिवर्स भी होता है कभी 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 मैं ग्रंपी हो जाता हूँ तो आयुष को पता है बहुत ही अच्छा दोनों बैलेंस बना के साथ में, आयुष को पता है इसको खाना खिला दो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा और ये अच्छा, इनकी ना एक बहुत खूबसूरत चीज है, ये मेरी लाइफ के बारे में इतने अवेयर हैं कि इनको बिना कुछ बताए ये मेरी आंखों में देख लेते हैं। आप तो हमारी दोस्ती उस लेवल की आ गई एंट्री में, क्या हुआ अभी लगातार बिल्डअप तो देने दे, मेरे को परफॉर्मेंस तो देने दे, अच्छा पार्ट तो कोई हो ही कुछ आती है, मतलब क्या हुआ, सुना क्या हुआ इतना तो मुझे अर्पिता भी नहीं जानती। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी जानते हैं, मतलब हर चीज में। कभी कभी मैं जब कुछ यू नो हम लोग कभी जब दोस्ती से बाहर होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, हम लोग बैठ कुछ बात कर रहे होते हैं, तो मैं कुछ बोल रहा था साइड में, कारण पता नहीं मैं देख रहा हूँ क्या भाई, कहता कितना झूठ बोलता है यार छोड़ दे। आपकी वाइफ का क्या रिस्पांस होता है जैसे आयुष का कॉल आ रहा होता है? जीरो रिस्पांस, तुमको इनका कुछ नहीं होने वाला। अगर रात को 11 बजे के बाद मेरा फोन बज रहा है तो उनको पता है सिर्फ एक ही कॉल है आयुष और मैं उठाऊंगा। मेरा एक ना अंतिम में एक मीम बना था, मैं यूं नहीं बना था, वो जिफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिफ बोलते हैं, जीआई बोलते हैं, जीआई जो जिसमें ऐसी मेरी एक सीक्वेंस है, मेरी बनियान फटती है। तो जब भी ये बोलते हैं कि मैं आयुष के घर पे जा रहा हूँ, उनको वो सब जिप भेज देती है जिसमें बनियान फट रही है, यू नो शी एक्चुअली डज दैट। तो हम दोनों का आई थिंक रिश्ता कुछ अलग लेवल का ही हो गया है। हम ये मेरे घर में रहते हैं हाफ ऑफ द टाइम, आई डोंट थिंक से खुद के घर इतना जाते हैं। अगर रात को 9 बजे के बाद मैं आयुष के घर गया हूँ तो मेरे वाइफ, मेरी मदर, सबको पता है कि ये सुबह 6 बजे आने वाला है। तो हंसते खेलते से शूटिंग खत्म भी हो गई होगी, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं पता चला था? मैं 2 साल से लगे पड़े हैं, बहुत पता चला है। आपने मेरे मेरे यू नो हमारी फिल्म में सबसे खूबसूरत चीज़ है, एक छोटा रुस्लान है
यू नो वो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है. अच्छा, एक टाइम था जब हमने देखा. हाँ हाँ, मतलब हम पिक्चर बनाते बनाते जब शुरू हुआ था तो हाइट इतनी थी. अच्छा, जब बड़ा हुआ तो जब भी मिलता लंबा हो गया. और अब हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है. अब इसकी हाइट छोटी कैसे करें. सो आई थिंक या मैंने उसको लिटरली बेबी रुस्लान, मेरे सामने बड़ा रुस्लान बन गया. तो मैं थोड़ा 2 साल बूढ़ा हो गया. तो हमने ऐसा नहीं पता नहीं चला, पता चला था हमको, हंसते हंसते निकल गए वो 2 साल, वो अलग बात है, मगर पता तो 100% चला था हमको. बिल्कुल. अच्छा, मूवी को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बाकी है. एज एन डायरेक्टर कितना प्रेशर फील होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है? प्रेशर तो फील होता है मैम. मतलब जितना बोल दे कि नहीं नहीं हमको कोई प्रेशर नहीं फील होता, प्रेशर तो फील होता है, 100% होता है. एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस भी होती है कि इतनी मेहनत गई है, इतना सबका खून पसीना गया है, दिल से एक पिक्चर बनाई है, कहानी बताई है, ऑडियंसेस उससे कनेक्ट करे, उसी दिल से कनेक्ट करे, उसी प्यार से कनेक्ट करे. और हाँ, मतलब हमारे चेहरे देखिए. नहीं, चेहरे तो एकदम खिले हुए हैं. और मेकअप है, मेकअप. ट्रेलर देखने के बाद भी, हाँ, आज मेरा भी मेकअप हुआ है. नहीं, आप तीनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत आप लोग बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो. अच्छा सुश्री, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपने डेब्यू किया इस मूवी से, तो मैं थोड़ा जर्नी समझना चाहूँगी कि क्या वाकई आपने इस रोल के लिए मतलब किस तरीके से ऑडिशन दिया था, क्या वो जर्नी रही थी आपकी? सो वॉट हैपन, मतलब सडनली अगर कॉल वन डे कि यू नीड टू सेंड योर ऑडिशन ASAP. तो मैंने बोला ठीक है, मैं भेजती हूँ. लाइक आई वॉज डूइंग समथिंग, सो मैं घर आई रात के 11 बजे, मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड किया एंड मैंने भेज दिया. विद इन 30 मिनट्स आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट आप कल मीटिंग के लिए कितने बजे आ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हम कितने एक्साइटेड थे. ए भाई, थोड़ा भाई तुम का अच्छा प्रयोग किया करो तुम भाई. नहीं नहीं, डेस्परेट नॉट द रॉन्ग वर्ड. हम लोगों ने कहा यही 30 मिनट में डिसाइड, अभी कुछ बोल रहा हूं. हमें यही चाहिए था, वो खोज ही चाहिए थी हम लोगों को. वो खोज की डेस्परेशन इतनी थी कि जब वो करेक्ट फेस और करेक्ट चीज मिला, 30 मिनट में बोला बस जल्दी. मतलब क्या था उस ऑडिशन में कि एकदम 30 मिनट्स लगे और 30 मिनट्स में सब कुछ हो गया? सब करेक्ट था. क्या था वो? एक्शन करेक्ट था, एक्सप्रेशन करेक्ट था, परफॉर्मेंस करेक्ट था. पता है आप जब फिल्म लिखते हो ना, तो कई बार आप लिखते समय चेहरा सोचते हो, देखते हो, तो उसमें एकदम फिट इन हो गई थी सुश्री. एकदम ऐसा था ये करेक्ट है, इससे बेटर नहीं मिलेगा, यही है. And also we were looking for a girl who could do action. Because yeah. movie में आप जितना भी देखेंगे कहीं पर भी बॉडी डबल नहीं है या कोई भी स्टंट मेरा नहीं कर रहा है, मैं खुद कर रही हूँ. सो आई थिंक दे हैड डन देयर पार्ट ऑफ रिसर्च बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ गर्ल एंड दे जस्ट वॉन्ट टू सी इफ आई कुड एक्ट और नॉट, बिकॉज इंस्टाग्राम तो सबका अच्छा होता है ना. तो देन आफ्टर आई सेंट, आई थिंक दे गॉट द कॉन्फिडेंस एंड दे वर सो काइंड. ऑनेस्टली जब मैं अगले दिन मीटिंग के लिए गई, आई मेट आयुष एंड यू नो लाइक आई मीन देयर वर अदर पीपल एंड दे आर नरेटिंग द फिल्म टू मी. And I am just wondering in my head, this character is so good. इसकी star cast इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, narrate क्यों कर रहे हैं? Let's start shooting, you know. So I think, मतलब I know I auditioned for it and I did work hard and my action training came in, you know, it was helpful. But मैं honestly अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, because इतने powerful role के लिए वो किसी को भी cast कर सकते थे. But the fact that they showed faith in a debutant, I think एक बहुत ही बड़ी बात है अपने आप. Horse riding वगैरह आप लोग जैसे आप कर लेते हैं, तो क्या ये इस role के लिए था या फिर? नहीं नहीं, so I come from an army family. मेरे पापा एक army officer हैं और मेरी mom एक DSP हैं. सो जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे पापा NSG के भी पार्ट थे, ही वॉज अ ब्लैक कैट कमांडो. सो मेरे पापा को मैं इतनी सारी चीज़ें करते हुए देखती थी कि माई मॉम शी वुड ऑलवेज सेंड मी फॉर स्विमिंग, यू नो, क्लासेज एंड हॉर्स राइडिंग एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बचपन से ही भेजते थे. सो एक्शन एक चीज़ था जो मुझे नहीं आता था, जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग किया. बट आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग टू सेंड मी फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. बिल्कुल बिल्कुल. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम आपकी परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगे. आयुष, आई एम वेरी एक्साइटेड. सुश्री, आई एम वेरी एक्साइटेड. ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार लगा. और भाई मैं तो ये मूवी देखने वाली हूँ. आयुष, सुश्री और करण ने मुझे तो कन्विंस कर लिया. मैं चाहूँगी कि आप NBT की भी ऑडियंस को थोड़ा कन्विंस कर ले कि जाओ मूवी देखो. जी मैं सारी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, 26 अप्रैल को ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ इस कहानी को मौका दीजिए. आप थिएटर में जाइए, इस पिक्चर को देखिए, पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस कहानी में सब कुछ नया है, एक्शन नया है, कहानी बहुत इमोशनल है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसमें मिलेंगी जो आज करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से बेस्ड हैं.
इसका एक अलग ट्विस्ट है कहानी में। आप प्लीज़ इस फिल्म को मौका दीजिए, थिएटर में जाइए अपने परिवार के साथ 26 अप्रैल को। आपको मैं होलसम एंटरटेनमेंट गारंटी करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।